18 प्लस को टीकाकरण लगाने का कार्य 1 मई रात्रि 8 बजे से शुरू कर दिया गया था दिल्ली सरकार की ओर से। इसी कड़ी में सोमवार को यमुना विहार वार्ड में स्थित सरकारी स्कूल को टीकाकरण के रूप में तब्दील कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों का प्रतिदिन टीकाकरण हो सके। लेकिन इन केंद्रों की स्थिति का जब जायजा लिया गया तो हालात कुछ और ही थे। सबसे बड़ी समस्या लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किस केंद्र पर टीकाकरण कराना होगा इस बात की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है, जिससे वैक्सीनेशन कराने आए लोगों में काफी रोष देखने को मिला। फिलहाल केंद्रों की क्या स्थिति है आप स्वयं देखिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुबह 2:30 बजे से मैं स्लॉट्स बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ और सबसे बड़ी जो स्ट्रेंज बात है वो ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्लॉट्स दिए गए हैं उसमें किसी में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें कौन से हॉस्पिटल में विजिट करना है और कौन से हॉस्पिटल में हमें जाके वैक्सीनेशन करवाना है। मैंने सबसे पहले इनिशियली जो मैंने स्लॉट बुक किया था वो जाफराबाद का किया था। जाफराबाद में पहुंचा, मुझे वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं मिला कि जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके बाद क्योंकि मैं दिल्ली 94 का रेजिडेंस हूँ, मैंने 94 में अपना स्लॉट बुक किया था जिसके अंदर आई गेस 10 से 12 लोकेशंस होंगी। मैंने उसमें जो मुझे एक स्कूल मिल रहा था मैंने वो चेक किया। मैं मॉर्निंग में 8:30 बजे से निकला हूँ घर से और मैंने 94 में जितने भी GBSSS के स्कूल्स हैं मैंने उन सब में विजिट किया, लेकिन कहीं पे भी वैक्सीनेशन। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये पता करने आया था कि क्या यहाँ पे जो ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं वो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर पाएँ कि जो एड्रेसेस जो यहाँ से वेबसाइट पे पोस्ट किए गए हैं उनको हम फाइंड करके कैसे सकते हैं। कुछ नहीं बताया था मुझे, कुछ नहीं बताया था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई एक ऑफिशियल अवेलेबल थे जिन्होंने ये बोला कि इस जो साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, मैं इस इंप्रेशन में था कि वो अलग अलग 4 स्कूल्स होंगे, लेकिन मुझे जब बाद में पता चला कि वो एक स्कूल में 4 अलग अलग पार्टीशन किए गए हैं तो मैंने यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे साइट 3 की जो स्लॉट्स थे वो अवेलेबल थे, तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे से वैक्सीनेशन चालू हुआ है। साइट 1, साइट 2 में 100 के आसपास वैक्सीनेशन हो चुके हैं और साइट 3 में 1.5 घंटे बाद वैक्सीनेशन चालू हुआ है और उसके बावजूद 1 से 1.5 घंटे में सिर्फ 4 लोगों के वेरिफिकेशन हुए हैं, जो कि हमें देखने में पता चला है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ बिठाए गए हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो किसी से भी कुछ भी पूछो वो नहीं बताते हैं और अगर आप इनके पास जाओगे तो इनके पास कंप्यूटर चलाने का या बाकी कामों का एक्सपीरियंस नहीं है। जो बंदा अपनी वेरिफिकेशन कराने जा रहा है वो खुद सामने जाके कंप्यूटर के पीछे खड़ा होकर बता रहा है, असिस्ट कर रहा है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। अगर ऐसे काम होगा तो मैडम क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और क्या चीज़ होगी? आपने स्लॉट्स दिए हैं, आप बोलते हो 18 प्लस कोई भी आएगा उसको आप अपने स्लॉट्स बुक करके आओ और आके यहाँ वैक्सीनेशन कराओ। बंदा सुबह 9 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, आप उस बे में जाओ, वो जो साइड 3 की बे है उसमें जाके बात करो, उसमें सब लोग आपको यही सेम इश्यूज बताएंगे जो मैंने आपको। हमें टाइम पे नहीं मिला है, एक एक सामान हमें बोल बोल के मंगाना पड़ रहा है, ना गाउन मिली है, ना कैप, मास्क, ग्लव्स भी इतने डीले से मिले हैं जी, सही से नहीं मिले जी। 4 कंटेनर है, एक खराब है। अच्छा, अच्छा, अच्छा।